सगळ्या दर्शकान राम राम। स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का माई। मेरो नाम है आदर्श और आज मैं थार के लिए लेके आयो झुंझुनू की विधानसभा श्रृंखला को दूसरो भाग। पहले बाद में आपा बात करी उदयपुर वाटी विधानसभा की, बिका जो तमाम नेता हा और जो तमाम जनता ही बिका के तकलीफा को वह सामनो करो और के तरीकों चुनाव जीत्या गया, वह सारी जानकारी में थान दी। चुनाव जुड़ेड़ा जो किस्सा है वह भी थान बताया। आज की जो श्रृंखला को दूसरो भाग है इक अंदर आपा बात करशा झुंझुनू विधानसभा की। झुंझुनू विधानसभा जड़े 1952 में चुनाव शुरू हुआ, 1952 लेके 2018 तक का जो चुनाव हा बम के चीज़ा को सामनो झुंझुनू की जनता और झुंझुनू का नेता करो, बस सारी जानकारी आस्थान देना। झुंझुनू के माँ जो पहले चुनाव का दौर हो यानी 1952 को बी टाइम चारू मेर किसान आंदोलन चल रहा और बहुत सा किसान नेता है कहा जो ये चुनाव का माध्यम उभरा है, जो कि लगातार किसानों के लिए आवाज़ उठा रहा और जो जागीरदार हवा के खिलाफ आंदोलन कर रहा। लेकिन बान एक आया को मन से एक आया को मौको को मिलियो कि वह आपकी बात में और आगे तक लेके जाओ। पर जो पहला चुनाव आया तो सगला किसान नेता मन में एक उम्मीद जागी कि हाँ इका माध्यम वो आपा किसाना के लिए और भी बहुत क्यों बढ़िया कर सका। उदयपुर वाटी खेतनी पिलाड़ी झुंझुनू लगभग जगहों जो पहला चुनाव लड़ा वह लगभग किसान नेता ही है। और आपने झुंझुनू भी जो पहला चुनाव लड़ा वह नरोत्तम लाल जी जो कि एक किसान नेता है और सागे वह एक वकील भी है। लोगों बाकी अच्छी जान पहचान ही अच्छी जानकारी ही और उठनो बैठनो भी हो जी का चालता वन चुनाव जीतने कोई कौन रोक पाए। बिका बाद में चुनाव आया 1962 का जी के अंदर की कांग्रेस आपकी टिकट दी सुमित्रा सिंह जी। सुमित्रा सिंह जो कि पल्ली भी एक दूसरा विधानसभा क्षेत्र जीत चुकी है। भी विधानसभा क्षेत्र को नाम अगर थान बेरो है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, नहीं मैं थाना अगला वीडियो में जय भी विधानसभा को नंबर आओ वो सीरीज के अंदर थान पूरी जानकारी भी कबारा दे दें। सुमित्रा सिंह जी राजस्थान की पहली महिला MLA। बाका बारा में किस्सो है कि वह राजनीति माणो कौन चाहो ये वह पहले एक लेक्चरार बनना चाहो जी को वह आपके अलग अलग इंटरव्यूज के अंदर बार बार एक बारे में बताया भी है। तो वो किस्सो कुछ है कि वह 53-54 की बात थी जी टाइम वह झुंझुनू की सेठ मोतीलाल कॉलेज में पढ़ाया करती। 22-23 साल की उम्र में 22-23 साल का छोरा निक भी टाइम पढ़ाया करती। और जी टाइम अगर आप बात करा तो जो महिला साक्षरता दर है वह मात्र 3% ही आपने राजस्थान की। और बी टाइम वह MA करियो है और बाद में टावरान पढ़ा भी रही, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बी टाइम बात है वही कि सुमित्रा सिंह जी ने एक दिन लाल सिंह जी बोला कि आज विद्यार्थी भवन में शाम के 4-5 लोग आ रहे हैं तो बाकी खानो बनाना। सुमित्रा सिंह जी आपके पति के सागर बी टाइम विद्यार्थी भवन में ही रहा करती। सुमित्रा सिंह जी हाँ करती, वह 4-5 आदमी और कोई को नहीं बल्कि कुंभाराम आर्य और बाका कुछ साथी है। जब वह शाम के विद्यार्थी भवन में पूछा तो सुमित्रा सिंह जी मन खानो बना के दियो, खानो बना के दियो जना कुंभाराम जी मन पूछो कि बेटा के करे है के काम करे है, 2-3 सवाल और पूछा, बस सारे सवालों को सुमित्रा सिंह जी मन जवाब दे दियो। कुंभाराम जी मन पूछो ठीक है बेटा बहुत बढ़िया है बताई बन 2-3 बात भी का बाद में सुमित्रा सिंह जी कुंभाराम जी ने पूछो कि मन लेक्चरार बनना है और महाराणी कॉलेज जयपुर के अंदर एक सीट खाली है तो थे वो पद मन दिवा दोगा के। ये बात पर कुंभाराम जी बोलिया जो सुमित्रा सिंह जी का पति हबानी बात को जवाब दियो कि तू 200-250 रुपये की नौकरी करा है लाख रुपये की छोरी है या लोगों पर हुकूमत करना बनी है। ये ऊपरली सुमित्रा सिंह जी को कोई विचार को नहीं होगा कदे राजनीति में जाएंगी या चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बाजो बात कुंभाराम जी वन बोली भी बात तुम वह भी सपना देख लिया कि वन हुकूमत करनी है राजनीति में जानो। इसके बाद अगले चुनाव के अंदर टिकट भी पहली बार कुंभाराम जी ही दिया। इसके बाद सुमित्रा सिंह जी लगातार चुनाव लड़ी और जीत्या। स्वतंत्र को चुनाव झुंझुनू में लड़ा और जीत्या भी के बाद में 80 का माँ झुंझुनू में शीशराम ओड़ा आया। शीशराम ओड़ा के बारे में भी बहुत सा किस्सा और कहानी है। लेकिन वह भी आपका पहला चुनाव दूसरी जगह लड़ा दूसरे विधानसभा क्षेत्र लड़ा। बाकी जो जानकारी है ज़्यादातर थान जो दूसरी विधानसभा क्षेत्र को वीडियो बनागो भी अंदर देगा लेकिन कुछ कुछ हिस्सा थान ई वीडियो के अंदर भी बता दे। शीशराम जी के बारे में एक बात कही जाए कि भाई एक बार जी आदमी मिल लेता बिको नाम आपकी जिंदगी भरी को नहीं भूलता। वह जितना भी आदमी हूँ बिका बाद में मिल लिया एक बार मिलन के बाद में हमेशा बिन बिका नाम ही बुलायो। ये कारण और इक अलावा और भी कई कारण के कारण शीशराम जी ओड़ा की जो जनता ही झुंझुनू की बिका बीच में एक बहुत बढ़िया छवि ही और बहुत अच्छी पकड़ी। बाकी एक चीज़ और भी कही जाए है कि जब 1952 के अंदर इंदिरा गांधी श्री निकेतन की नींव धरी जी टाइम तीन लड़कियाँ के साग ही करो पूरा काम शुरू। लेकिन बाद में पिछले 1968 में जाके महिला शिक्षा के लिए पद्मश्रियों भी नवाजे हुए। शीशराम जी ओड़ा भी आपका पहला चुनाव झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के अलावा दूसरी विधानसभा क्षेत्र में लड़ा भी की अगर थान जानकारी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, नहीं भी विधानसभा क्षेत्र को जब नंबर आओगे जी टाइम में थाना जानकारी दे देंगे।
झुंझुनू का 4 बार MP रहा, RR मुरारका के सागे सीसराम जोड़ा का बहुत बढ़िया संबंध बताया जाए और अभी कहो जाए कि वह जो 4 बार MP बढ़ा भी में बहुत बड़ो हाथ सीसराम जी ओड़ा की राजनीतिक समझ और बाकी जो सूझबूझ ही बिको भी बिक अलावा जो और 2 उद्योगपति झुंझुनू चुनाव लड़न की कोशिश करी के बिरला और वाका पिताजी बाका सागे भी जो सीसराम जी ओड़ा ही वाका बहुत बढ़िया संबंध बताया जाए। सीसराम जी आपका पूरा कार्यकाल कमाई 4 अलग अलग मंत्री पदा का कार्यभार संभाला, अभी के अलावा वह 60वें 70 तक जिला प्रमुख भी रहा और MP भी रहा। सीसराम जी ओड़ा और बाको जो मीठा नहर को पानी है विकी कहानी पूरा झुंझुनू बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग है ही कि वह लगातार चुनाव लड़े मीठा नहर का मुद्दा पर और हमेशा जीत्या, लेकिन वो जो मुद्दों वो असल भी कले कदे काम बन करो, लेकिन असल में वह लोकसभा में भी मीठा पानी की नहर के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई और जो ऊपर प्रशासन हो भी कन भी खूब कोशिश करी, लेकिन वन सफलता को नहीं मिली। एक ऊपर वह चुनाव लड़ो, हालांकि अब जो मीठा नहर को पानी है वो अपन मिल चुके हैं, लेकिन जो इसकी शुरुआत करेड़ी है बस सीसराम जी ओड़ा की ही करेड़ी है। 1980-1990 तक सीसराम जी ओड़ा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र जीत हासिल करी। इसके बाद 1993 का चुनाव का मां सीसराम जी ओड़ा वापिस कांग्रेस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र जीत्या और बिग बाद 1998 के अंदर सुमित्रा सिंह जी निर्दलीय चुनाव जीत्या और बिग बाद 2003 का चुनाव के मां सुमित्रा सिंह जी BJP की टिकट का सागर चुनाव जीत। बिग बाद 2008-2018 तक लगातार कांग्रेस का उम्मीदवार और सीसराम जी ओड़ा का सुपुत्र विजेंद्र सिंह ओड़ा MLA पद पर बरकरार है। 2008 का चुनाव विजेंद्र सिंह ओड़ा BJP का उम्मीदवार डॉक्टर मूल सिंह शेखावत ने रहा की कुल 38,571 वोटा का सागर विजयी रहा। आ चुनाव का मां कुल 63.5% वोटर वोट दे रहे हो। 2013 का चुनाव विजेंद्र सिंह होड़ा कुल 60,929 वोटा का सागर जीत्या और वह BJP का राजीव सिंह ने हराया। ये चुनाव के अंदर कुल 70% वोटर आपका वोट दे रहा। 2018 का चुनाव BJP का राजेंद्र सिंह भामू ने रहा की कांग्रेस का उम्मीदवार विजेंद्र सिंह होड़ा कुल 70,177 वोटा का सागर विजयी रहा। वाका वोट तो लगातार बढ़ गया, लेकिन इपकाड़ो जो चुनाव रहे वे के अंदर वोटर मार्जिन काफी हद तक कम रह गो। आई झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की 1952 लेके अब तक का चुनाव की सगड़ी जानकारी, भविष्य में होने वाला चुनाव की जानकारी भी थाने आई वीडियो के अंदर चाहे या फिर बाकले में एक अलग सीरीज काटा नीचे कमेंट करके जरूर बताओ और थान वीडियो किसाक लाग रही अभी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जिनको झुंझुनू देखता रहो चैनल ने सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों शेयर करो ताकि बाकी भी जानकारी बढ़ जाए और थार के लिए भी फायदेमंद रहे।